नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिलाओं के यूट्रस का डिस्प्लेसमेंट हो जाना, यूट्रस का बढ़ जाना, यूट्रस को अपनी जगह से हट जाना या यूट्रस प्रोलैप्स कर जाना, यानी कि यूट्रस बाहर निकलना, या यूट्रस में अगर फाइब्रॉइड की कंडीशन हो गई है, तो इस सारी कंडीशंस की मात्र एक होम्योपैथिक मैं आपको बताऊंगा जिसको लेने से महिलाओं की यूट्रस संबंधित सारी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। दोस्तों महिलाओं को अगर पीरियड इरेगुलर हो गए हैं या पीरियड के समय दर्द हो रहे हैं, पीरियड अपने समय पर नहीं आता है, तब वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं और उनका अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करवाया जाता है। तो उस कंडीशन में उनको अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है कि आपका जो यूट्रस है वो इनलार्ज हो गया है या आपका यूट्रस आपके जगह से हट गया है या आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड की कंडीशन हो गई है जिसके कारण आपको यूट्रस प्रोलैप्स कर रहा है, यानी कि यूट्रस बाहर निकल रहा है। तो इस कंडीशंस में ज़्यादातर डॉक्टर्स सर्जरी की सलाह देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन से आपको ये जो सारे प्रॉब्लम्स है, यूट्रस का अपने जगह से हट जाना, यूट्राइन फाइब्रॉइड हो जाना, यूट्रस में गांठे हो जाना, या जिसे आप सरल भाषा में समझोगे तो कहा जाता है कि आपको बच्चेदानी में रसौली हो गई है, तो इसी रसौली को ख़त्म करने की मात्र एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, वो है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। आज मैं इसी दवा के बारे में बताऊंगा कि कैसे इस दवा को यूज करके आप अपने यूट्रस संबंधित सारी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि यूट्राइन फाइब्रॉइड कैसे होता है या प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की कंडीशन क्यों आती है या यूट्रस आपके जगह से हट क्यों जाता है या यूट्रस का साइज इनलार्ज क्यों हो जाता है। तो इसके कारणों की अगर हम बात करें तो जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिनों से पीरियड समय पर नहीं आता है तो वो बहुत सारे स्टेरॉयड या हार्मोनल पिल्स लेते हैं जिसके कारण उनको ये प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो पीरियड्स तो इरेगुलर हो जाता है, अपने नियत समय पर नहीं होता है, उसके अलावे उनको एब्डोमिनल क्रैम्प आता है, पेन बहुत ज़्यादा आता है, यानी पीरियड्स के दौरान उनको क्रैम्प्स बहुत आते हैं, हॉट फ्लशेस आते हैं, मूड स्विंग्स होने लगता है, सर दर्द बहुत ही ज़्यादा रहता है, और अगर फाइब्रॉइड डेवलप्ड हो रहा है तो यूट्रस जो है सो बाहर निकलने लगता है, यूट्रस प्रोलैप्स करने लगता है, क्योंकि जब यूट्रस में फाइब्रॉइड की कंडीशन होती है तो यूट्रस का वजन बढ़ने लगता है और वो प्रोलैप्स की कंडीशंस में चला जाता है। इसके कारण जब फाइब्रॉइड डेवलप कर जाती है तो यूट्रस अपनी जगह से बढ़ने लगता है और यूट्रस का इनलार्जमेंट हो जाता है। ये सभी इसके सिम्टम्स हैं। अगर कारणों की अगर हम बात करें तो जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा नॉनवेज का यूज करती है या स्मोकिंग ज़्यादा करती है, ड्रिंकिंग ज़्यादा करती हैं, उनमें ये देखने को मिलता है। जिन महिलाओं को ओबेसिटी की समस्या डेवलप हो रही है, यानी कि जो महिलाएं मोटी होती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम्स है, उनमें ये खासकर ज़्यादातर देखने को मिलता है। अगर इस तरह की सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपको मिल रहे हैं, तो मात्र एक होम्योपैथिक मेडिसिन फ्रैक्सिनस अमेरिकाना को आप अगर यूज करते हैं तो आपको यूट्रस का जो फाइब्रॉइड है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस की जो कंडीशंस आ रही है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और आपका जो यूट्रस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यूट्रस अपने साइज से अलग हट रहा है, ये भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस दवा को आप मदर टिंचर फॉर्म में आपको लेना है। इसे आप WSI या SBL कंपनी की या फादर मुलर कंपनी की आपको मार्केट से 30 ml की सीसी में लाना है और इसे हल्के गुनगुने पानी के साथ
10 बूंद सुबह और शाम लगातार 1 से 2 महीने तक आपको लेना है, और उसके बाद आपको अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करवानी है। और इस रिपोर्ट में आप देखिएगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थी यूट्राइन फाइब्रॉयड की, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस के, या एंटीवर्टेड यूट्रस की, या एनलार्जमेंट यूट्रस की, ये पूरी तरह से आपको ख़त्म हो जाएगा और आपका रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आएगा। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगा कुछ नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।